गोधन न्याय योजना। यह योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना अर्थात गोधन न्याय अभियान से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार पशुपालकों से गोबर की खरीदी करेगी और इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं पूरी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप एक पशुपालक है तो आपके लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत गोबर की खरीदी की जाएगी और सरकारी दर पर। इस योजना से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम विस्तार से जानेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत गोबर की खरीदी की जाएगी और इस तरह का यह नया अभियान या योजना प्रारंभ करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व से होगी इस अभिनव योजना की शुरुआत। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खुद दी गई है और 25/6/2020 को इसकी आधिकारिक घोषणा हुई है। हालांकि इसकी शुरुआत हरेली पर्व के दिन होगी। इस योजना के तहत गौ पालन और गोबर प्रबंधन से पशुपालकों को होगा लाभ। इसके अलावा गांवों में रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर भी बढ़ेंगे। निर्धारित दर पर होगी गोबर की खरीदी, आप यहां देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑफिशियली अपडेट भी दिखाएंगे, जिसमें आप छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर गोधन न्याय योजना के बारे में जान सकेंगे। इसमें कहा गया है कि एक दर निर्धारित की जाएगी जो कि गोबर की होगी और वो प्रति क्विंटल या प्रति किलो के दर से इसकी दर निर्धारित की जाएगी। सहकारी समितियों से बिकेगी वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खरीदी की दर तय करने के लिए 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल की उप समिति भी गठित कर दी गई है, जो ये समिति दर को निर्धारित करेगी कि कितने में खरीदी जाएगी गोबर को। इसके अलावा गोबर प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करेगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुख्य सचिव। उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। यहाँ आपको अपडेट दिखा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ आप ऊपर में देखेंगे, सबसे तो यहाँ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालकों को अर्थात जो पशु का पालन करते हैं, जिनके घर गाय बैल भैंस रहते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए गोबर की खरीदी करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसमें आगे बताया गया है गोपालन को लाभप्रद बनाने और गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू होगी गोधन न्याय योजना। और इसकी योजना कब शुरू होगी हमने पहले ही बताया, हरेली पर्व के अवसर पर इस अभियान या योजना की शुरुआत की जाएगी। और हालांकि इसकी जो लॉन्चिंग डेट है अर्थात इसकी जो घोषणा है कैबिनेट द्वारा जो मंजूरी दी जाती है वो 25 जून 2020 को दे दी गई है और इसकी शुरुआत हरेली पर्व के अवसर पर किए जाएंगे। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं, हम पूरे प्रावधान को जानते हैं। योजना का क्या नाम है तो क्योंकि परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य भी बनते हैं और इनके तहत कई सारे लाभ भी दिए जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक योजना है। योजना की शुरुआत कब होगी तो हरेली तिहार के अवसर पर योजना का शुरुआत होगा। योजना का उद्देश्य रखा गया है पशुपालकों को लाभ पहुंचाना गोबर की खरीदी करके। इसके अलावा योजना का संबंध है गोबर या गोधन से या पशुपालकों से। योजना का लक्ष्य रखा गया है गोबर का प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा
रोजगार के अवसर पैदा करना भी गोधन न्याय योजना का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ उपेक्षित सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की जा रही है। राज्य में हरेली पर्व से पशुपालकों एवं किसानों से गोबर निर्धारित दर पर क्रय किए जाएंगे। आपको यहां हम बता दें कि इनके लिए अभी कोई दर निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना क्विंटल में इन्हें खरीदे जाएंगे और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरी प्रोसेसिंग, इसको आपको कहां पर जाकर बेचना है, इसमें तो ये जानकारी जरूर दे दी गई कि जो सहकारी समिति होगी उनके द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट बनाए जाएंगे गोबर के द्वारा उनको बेचा जाएगा, लेकिन इनकी खरीदी कहां आपको की जानी है, कितने दर में होगी, इनकी सारी जानकारी जल्द ही आपको मिल जाएगी। अभी इस योजना का पूरा प्रारूप तैयार किया गया है कि गोधन न्याय योजना हम लाएंगे, इसकी घोषणा 25 जून 2020 को कर दी गई है और हरेली त्यौहार के दिन इनकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी और पूरा डिटेल अपडेट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें और कोई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम जान लेते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई को रोकथाम तथा सड़कों एवं शहरों में जहां तहां आवारा घूमते रहते हैं पशुओं के प्रबंधन एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है और इसकी शुरुआत हरेली पर्व के अवसर पर किए जाएंगे। गाँव में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गाँव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। शायद तक आपके गांव में भी गौठान का निर्माण किया जा चुका होगा या निर्माणाधीन होगा या निर्माण किए जाएंगे। यहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को मिलाकर कहें तो 2200 गाँव में गौठान का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा 2800 गाँव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले 2-3 माह में लगभग 5000 से ज़्यादा गाँव में गोठान बन जाएंगे, जिससे गोधन न्याय योजना को बल मिलेंगे और गोबर की अच्छी सी बिक्री भी होगी और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदी भी की जाएगी। पशुपालकों से अर्थात जो किसान पशु का पालन करते हैं उनसे गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी। एक निश्चित राशि निर्धारित किए जाएंगे प्रति क्विंटल गोबर के हिसाब से और दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री, वर्तमान में जो कृषि एवं जल संसाधन मंत्री है रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्री मंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा सप्ताह भर में रिपोर्ट पेश किए जाएंगे और इनका दर निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे ही प्रावधान अभी फिलहाल किए गए हैं और जल्द ही इनका दर भी निर्धारित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो गोबर खरीदी से लेकर गोबर कैसे खरीदेगा सरकार और उसके जो वित्तीय प्रबंधन होगी, जो पैसे का लेन देन होगा उसके बारे में, इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से लेकर जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादित किए जाएंगे उनकी बिक्री तक के लिए पूरी जो प्रक्रिया होगी उनको निर्धारित करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया है और ये कमेटी निर्धारित करेगी कि जो पशुपालक है उसे कैसे गोबर को खरीदेगा और उसे कैसे बेचेगा, उसके बाद जो वित्तीय पैसे का लेन देन होगा वो कैसे होगा, इसके अलावा जो गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनाए जाएंगे उत्पादित किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे और उन्हें कहां बेचे जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मुख्य सचिव द्वारा दी जाएंगी और पूरा डिटेल अपडेट किए जाएंगे। इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है, जब भी इसके बारे में अपडेट आएंगे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आप गोधन न्याय योजना के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहेंगे और अधिक पढ़ना चाहेंगे तो आपको इस वेब पेज का लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसमें और कई सारी जानकारियां दी गई है यहां आप देखेंगे तो इसको आप विस्तार से पढ़ पाएंगे।